कर्नाटक हाईकोर्ट ने बागमान टेक पार्क में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाई। बागमान टेक पार्क द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि बीबीएमपी अधिकारियों ने मौखिक निर्देश देकर उनके परिसर की दीवारों को गिराने का प्रयास किया। हिंदुत्व समूह बजरंग दल के सदस्यों द्वारा एक अंतरधार्मिक जोड़े को जबरन अपनी शादी का पंजीकरण कराने से रोकने के दो दिन बाद दंपति आखिरकार शुक्रवार 16 सितंबर को शादी करने में कामयाब रहे। पत्रकारों से बात करते हुए चैत्रा ने कहा कि उन्हें अपनी शादी को पंजीकृत करने से रोक दिया गया था। बजरंग दल के सदस्यों ने बुधवार को उनके मंगेतर जाफर पर आरोप लगाया कि यह लव जिहाद का मामला है। लव जिहाद एक दक्षिणपंथी साजिश है जिसमें दावा किया गया है कि मुस्लिम पुरुष जानबूझकर हिंदू महिलाओं से शादी करके उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर देते हैं। चैत्र और जाफर को चिक्कमगलुरु में शादी से रोकने की कोशिश करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम फोरम ने कर्नाटक सरकार पर फाजिल मसूद हत्याकांड में पक्षपात का आरोप लगाया। दक्षिण कन्नड़ जिले में हाल ही में दो मुस्लिम युवकों की हत्या के मामले में प्रतिक्रिया में भेदभाव को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ मंगलुरु में हजारों नागरिक विरोध में एकत्र हुए। विरोध प्रदर्शन का आयोजन शुक्रवार शाम मंगलुरु के क्लॉक टावर में मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के सूरतकल डिवीजन द्वारा किया गया था। यह एक दिन बाद आया जब मंगलुरु की एक जिला अदालत ने सूरतकल के एक युवक फाजिल की हत्या के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को जमानत दे दी। कर्नाटक में पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर पुलिस को अपराध पर नकेल कसने में मदद करेगा। कर्नाटक में संपत्ति अपराधों में शामिल अपराधियों के 2,00,000 से अधिक उंगलियों के निशान के डिजिटल डेटाबेस का उपयोग करके और इसे पोर्टेबल फिंगरप्रिंट रीडर और एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन के साथ जोड़कर कर्नाटक पुलिस ने आपराधिक पृष्ठभूमि की जाँच के लिए एक वास्तविक समय स्वचालित फिंगरप्रिंट सत्यापन प्रणाली बनाई है। बीदर बल्लारी रोड को 4-लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज मौजूदा बीदर बल्लारी सड़क को 4-लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाने की घोषणा की। बोम्मई ने कहा कि रायचूर और बल्लारी में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कदम उठाए गए हैं। केंद्र की सहायता से यादगीर रायचूर और कलबुर्गी को कवर करते हुए एक रिंग रोड का प्रस्ताव किया गया है। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र का कहना है कि बेंगलुरु में वाहन रस्सा नीति को वापस लाने की कोई योजना नहीं है। फरवरी 2022 में गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने घोषणा की थी कि रस्सा अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और एक नई और सरल प्रणाली लागू की जाएगी। मंत्री ने 17 सितंबर को कहा कि राज्य सरकार की बेंगलुरु में नो पार्किंग जोन से वाहनों की टोइंग फिर से शुरू करने की कोई योजना नहीं है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों को टो करने की नीति कुछ समय पहले जनता की शिकायतों के बाद निलंबित कर दी गई थी। धर्मांतरण विरोधी बिल के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट जाएगी कांग्रेस। राज्य कांग्रेस धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के कर्नाटक संरक्षण बिल 2022 को कानूनी रूप से चुनौती देने की योजना बना रही है, जिसे धर्मांतरण विरोधी बिल के रूप में भी जाना जाता है, जिसे गुरुवार को परिषद में पारित किया गया था। पूर्व मंत्री और केपीसीसी संचार विंग के प्रमुख प्रियांक खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का कानूनी प्रकोष्ठ नए कानून के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख करेगा। राज्य भाजपा नेताओं से पूछो मुझसे नहीं, मंत्री पद से इनकार से केएस ईश्वरप्पा नाराज। शिवमोग्गा शहर के असंतुष्ट विधायक केएस ईश्वरप्पा ने ठेकेदार संतोष की आत्महत्या के मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं करने के लिए राज्य भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा। ईश्वरप्पा ने कहा कि राज्य के नेताओं ने ठेकेदार आत्महत्या मामले के कारण उनके इस्तीफे के समय उन्हें मंत्री पद देने का वादा किया था।